एक छोटे से गांव में जहां हर कोई आपस में जुड़े हुए परिवार चाहता था, वहां एक अजीब घटना का आगमन हुआ। गांव के उस होटल में रसोइये की जगह रोज बदलती थी, लेकिन खाना हमेशा स्वादिष्ट होता था। गांव के लोग भोजन के प्रति इतने वफादार थे कि जब भी कोई किसी समारोह या कार्यक्रम के लिए खाना बनाता था, तो वे सभी इस विश्वास के साथ खुदरा देते थे कि यदि उस होटल का रसोइया खाना पकाएगा, तो यह लोगों के अत्यधिक आकर्षण का कारण होगा। सुबह सुबह ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे, जिसमें कृषि कार्य, व्यापार और घरेलू काम शामिल थे। एक छोटे से होटल का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान था, जो गांव के सभी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता था। ग्रामीणों में भोजन के प्रति बहुत सम्मान था और वे होटल के रसोइये पर उतना ही भरोसा करते थे जितना अपनी माँ पर करते थे। बावर्ची हमेशा नए और खास तरीके से खाना पकाने की कोशिश करते थे और वह हमेशा स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाते थे। गांव के लोग उनके खाने के इतने दीवाने थे कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए वे इसे ही चुनते थे। एक दिन सुबह गांव में एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों से लोग भाग लेने आए। सभा के आयोजन के लिए रसोइये को भी चुना गया। बैठक की दिनचर्या योजना से भरी थी और बैठक में आए लोग रसोइया द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। सभा शुरू हो गई और लोग भोजन का आनंद लेने लगे। भोजन की मिठास, विविधता और विशिष्टता ने सभी को आकर्षित किया और वे सभी खुश थे कि वे बावर्ची के भोजन का स्वाद ले रहे थे। लेकिन यह सब कुछ एक अद्वितीय चीज के पीछे छिपी हुई थी। बावर्ची का असली नाम नहीं था, बल्कि वह एक बुद्धिमान बंदर था जो मानव बुनाई के कपड़ों में विद्यमान था। वह बंदर बहुत ही बुद्धिमान और आलसी था। उसे लगता था कि मनुष्यों के खाने में सिर्फ वही आसक्त हो सकता है जो स्वादिष्ट हो। इसी विचार से उसने मानव बुनाई के कपड़ों में बदलकर खुद को होटल के बावर्ची के रूप में दिखाने का निर्णय लिया। बंदर ने अपनी चालाकियों से नए नए खाने बनाने की कोशिश की और वह हमेशा से देखता रहा कि उसके बनाए गए खाने से लोग मनोरंजन करें और उसके परिवार की तरह सहयोग करें। दिन रात की मेहनत के बाद उसकी चालाकियां कामयाब हो गई और उसकी खाने की विशेषता ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। उसके खाने से सभी अत्यधिक प्रसन्न थे और उसे सभी की सराहना मिल रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रसोइये के पीछे एक बंदर का हाथ है। इस अद्भुत योजना के पीछे बंदर की एक विशेष वजह थी। परिवार के अपार स्नेह के बावजूद उनका परिवार उनके साथ नहीं था। बंदर के पारिवारिक पिता की एक दिन गांव वालों ने हत्या कर दी, क्योंकि उसने किसी कारण से गांव के एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी। बंदर को गांव के लोगों द्वारा दिखाए गए स्नेह के बारे में तब पता चला जब वह अपने परिवार की मृत्यु का दुख मना रहा था। बंदर को यह विश्वास हो गया कि आदमियों के स्नेह भावना और सहानुभूति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है और वह भी उनकी मदद कर सकता है। उसने यह सोचकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया कि वह गांव के लोगों के लिए खाना बनाने में मदद करेगा। सभा के आयोजन के दिन बंदर ने फिर से एक अद्वितीय और स्वादिष्ट खाने की मिश्रण विधि तैयार की, जिससे लोग बिल्कुल ही मोहित हो गए। जब लोग उसके बनाए गए खाने का स्वाद लेने लगे, तो बंदर ने आत्मविश्वास से भरपूर होकर उन्हें बताया कि वह खुद बंदर है और उसने मानव बनाई की बुनाई में खुद को छिपाया है। लोगों को पहले थोड़ी उलझन हुई, लेकिन उन्होंने बंदर की बातों को सुनकर उसकी बुद्धिमता और साहस को समझा और उन्होंने उसे सराहा कि वह उनके लिए इतना साहसी कदम उठाया। लोगों ने उसके समर्थन में मिलकर खड़ा होने का निर्णय लिया और उन्होंने बंदर को उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक गांव में प्रेमजी तिवारी नाम का
एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेमजी तिवारी के माँ बाप तो नहीं थे, पर एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी करवाने के लिए और भाई को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बेचारा दिन रात कष्ट किया करता था। प्रेम जी के बनाए हुए सारे पकवान कई सालों से बच्चे बूढ़े गांव के बाकी सारे लोग बड़ा मजा लेके खाया करते थे। इसके वजह से वो जिस ढाबे में काम करता था उस ढाबे का नाम अच्छा हुआ और कमाई भी बढ़ गई। एक दिन प्रेम जी के एक दोस्त ने प्रेम जी के बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के के बारे में बताया। ये सुनकर प्रेम जी ने सोचा ये शादी तो किसी भी तरह करवानी पड़ेगी, चाहे उधार लेना पड़े, पर बहन की शादी होनी चाहिए। इसलिए वो गांव के जमींदार के पास गया और सूद पर रुपए लेके उसने शादी करवा दी। अपनी बहन की शादी में प्रेम जी ने खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया था। सारे अतिथिगण खाना खाके मुग्ध हो गए। अरे वाह प्रेम जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भैया। खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों की तरफ से रामलाल नाम का एक आदमी आया था। खाना खाके उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेम जी भाई, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेम जी भाई को याद आया कि उसके भाई को पढ़ाना है, उसका कुछ उधारी भी है। इन सबको छोड़ के लंदन जाना उसके लिए नामुमकिन था, तो उसने इस मौके को जाने दिया। दिन गुजरने लगे, उधार का भार बढ़ने लगा और पूरी तनख्वाह तो ब्याज भरने में निकल जाती थी। भाई को पढ़ाने के पैसे कम पड़ने लगे, घर चलाने में भी दिक्कत होने लगा, तो प्रेम जी भाई इन बातों को लेके मन कचोट के रह जाते थे। इस तरह महीने बीतने लगे पर प्रेम जी भाई का आमदनी नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन प्रेम जी भाई उदास बैठ के उपाय के बारे में सोच रहे थे, उसे लंदन से आए हुए रामलाल के बातें याद आए। अरे उसने तो मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया था, ये बात मैं कैसे भूल गया। ये सोचकर वो रामलाल से मिलने चला। अरे प्रेम जी, आप इस तरफ। आपने तो उस दिन कहा था ना कि लंदन में आपके रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मुझे देने को तैयार है, अभी भी क्या वो नौकरी मुझे देंगे? अरे वाह बढ़िया है, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली, जरूर मौका मिलेगा। मैं एक हफ्ते में वहां जा रहा हूँ, मेरा बेटा आपके लंदन आने तक के सारे इंतजाम खुद देखेगा, ठीक है? फिर जब रामलाल वापस लंदन चले गए थे, रामलाल के बेटे ने प्रेम जी का लंदन जाने तक का पूरा इंतजाम एक महीने के अंदर कर दिया। प्रेम जी ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हम सब है ना, आप आराम से लंदन जाइए, वहाँ अच्छे से पैसे कमाइए और अपनी पूरी उधारी चुका लीजिए, अपने भाई को अच्छे से पढ़ाइए, अगले 10 दिन में लंदन जाने की आपकी फ्लाइट है। इस तरह उसने प्रेम जी को समझाया और उसे लंदन भेज दिया। प्रेम जी लंदन में स्थित रामलाल के इंडियन रेस्टोरेंट में अपना रसोइये का काम शुरू कर दिया। उसके खाना पकाने के तरीके, सब्जियों को काटने के तरीके, खाने को प्लेटिंग के वक्त गार्निश करने के तरीके, और सबसे बढ़िया बात यह थी जब उसका खाना पकता था पूरा रेस्टोरेंट खुशबूदार हो जाता। वो मन लगा के लजीज खाने बनाता रहा और कस्टमर खुश होते रहे। खाने से खुश होकर लोग उसे काफी पैसे टिप में देते थे। इससे प्रेम जी खुश होकर और बढ़िया पकवान बनाने लगा। इधर महीने का तनख्वाह मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया, और जितने भी पैसे वो कमाता था पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता। फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ़ाए। इस तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई कारण बोलकर रामलाल के बेटे उसे टाल देता, तो प्रेम जी को संदेह होने लगा। और फिर
जब रामलाल अपने बेटे के साथ बात करते थे वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन रामलाल से मिलने प्रेम जी जा ही रहे थे, उसने देखा रामलाल बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो वो छिपके सुनने लगा। 6 लाख रुपए है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। प्रेम जी का हाथ का खाना बढ़िया है, इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूँ और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने, उन पैसों को मैंने बचा के रखने को कहा था, ना कि इसके बारे में प्रेम जी के भाई को बताने के बारे में। कोई ना कोई उपाय निकाल और मुझे वापस फोन कर। उनकी इन बातों को सुनकर वो तुरंत अपने घर गया, अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। मैंने इन पे अंधविश्वास किया था और काम करने विदेश तक आ पहुंचा। 1 रुपए मेरा पैसा मैंने नहीं बचा, पूरा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में हैं। पता नहीं मेरा सूद कितना बढ़ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने कुकर्मों के लिए इन लोगों ने मुझे वहां से यहां तक ले आया। वो बेचारा रास्ते के एक किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। हे भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवान। वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा। अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्री कृष्ण पधारे। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प्रेम जी के पास बैठ गए। अंकल, क्या ये फूड स्टॉल आपका है? मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ पका के खिलाओगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आके प्रेम जी से बातें करने लगे, पर प्रेम जी को तो पता था वो फूड स्टॉल प्रेम जी का तो था ही नहीं। पर कहीं उस बालक को देखकर प्रेम जी को बिछड़ा हुआ अपना भाई याद आया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वो उठा और उस फूड स्टॉल के तरफ बढ़ गया। फिर वहाँ रखे हुए सारे चीजों को देख के सोचने लगा, इसके खाने के लिए क्या पकाऊं। प्रेम जी ने फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे। अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका, इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए। वो सोच में पड़ गया। इस तरह अचंभित होकर वो सोच रहा था, वहां खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए। प्रेम जी ने उस बालक के लिए बड़े प्यार से खाना पकाया। फिर वो बालक को ढूंढने लगा और वो बालक उसे दिखा नहीं। और इधर वहां बैठे जो बाकी कस्टमर थे वो सारे फूड 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 कहकर प्रेम जी को पुकारने लगे, तो प्रेम जी उनके लिए खाना बनाने में मगन हो गए। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे ही प्रेम जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। इसके अलावा वो फूड स्टॉल मेरा है कहने वाला कोई आगे ही नहीं आया, तो प्रेम जी ने सोचा शायद ये भगवान की मर्जी है और उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा है। वो अपना काम में व्यस्त हो गया। रामलाल को प्रेम जी के फूड स्टॉल के बारे में पता चला तो उसे रोकने वो खुद आ पहुंचे, पर उसे पता नहीं था ये स्वयं भगवान की देन है, वो उसे कहां रोक पाता। इतना ही नहीं, उसका खुद का धंधा ठप होने वाला था और उसका दिवालिया निकलने वाला था। फिर प्रेम जी ने अपने कमाए हुए पैसों को जमा किया और एक विदेशी के सहायता से उसने अपने भाई को लंदन बुला लिया। वो अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा, अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेम जी अगर रामलाल और उसके बेटे के बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फूड स्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतनी खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता। विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहा नामक दो अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी।
गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहाँ वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो, और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया, उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है, इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है, और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों दो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने इसीलिए गृहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा। और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे? ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं, वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा गृहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी। आपके दुकान के अलग प्रकार के लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है, तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा, चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी गृहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब गृहन को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख गृहन भी वहाँ के कार्मिक के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है
गृहन अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद गृहन उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि गृहन के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं और उसके नाम भी लिखवाता है। वहां से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं, इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। गृहन, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है गृहन, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग गृहन के दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और गृहन को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ गृहन को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान गृहन के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो वापस गृहन को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और गृहन बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है गृहन, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था इसे तो वहाँ होना चाहिए ना। ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुँचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूँगा। वीरेश के बातें सुनके लीलावती डर के मारे वहाँ से चली जाती है और गृहन वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दोस्ती में ये जरूरी नहीं होता है कि कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं, मगर ये जरूरी होता है कि कितनी गहराई से एक दूसरे को पहचानते हैं और भरोसा करते हैं।